हम लोग उनके चाचू की बेटी हुई है, वो हमारी कजन है, इसे अभी हम लोग उसको देखने जा रहे हैं, वो पैदा हुई है तो। ऑल न्यू फ्रेंड्स प्लीज पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स मैं इब्राहिम और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स आज है वेडनेसडे, अभी मैं स्कूल से वापस आया और मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं और अभी मैंने नमाज भी पढ़नी है क्योंकि स्कूल से वापस आइए नमाज पढ़नी होती है। हम लोगों का टाइम ही कुछ ऐसा है स्कूल का 1:30 बजे कि नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ सकते, इसे घर में पढ़नी पड़ती है, तो अभी बस मैं नमाज पढ़ता हूँ। और तो चलिए आज से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये दिन के खाने मम्मा ने बड़े मज़े के दाल चावल बनाए थे, तो ये अभी हम लोग वो खा रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग के चाचू की बेटी हुई है, वो हमारी कजन है, इसे अभी हम लोग उसको देखने जा रहे हैं, वो पैदा हुई है तो चलें फिर अभी चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारी न्यू कजन, माशाल्लाह कितनी प्यारी है, कितनी क्यूट लग रही है। अनाबिया ने इसको उठाया हुआ है, उसको प्यार करती जा रही है। और ये उसकी बड़ी बहन है जोहा, और ये अभी मम्मा ने उठाया हुआ है उसको। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग वापस आ चुके हैं और हम लोगों को उधर बहुत मजा आया है और मैं तो थोड़ा बहुत थक भी गया हूं कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ने का। तो चलिए सूरह बकरा कंटिन्यू करते हैं। औजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फतलक्का आदमु मिन रब्बी कलिमातिन फतौबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। फ्रेंड्स इस आयत का तर्जुमा यह है कि बाज़ अज़ा हासिल कर लिए आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद अल्फाज, तो अल्लाह ताला ने रहमत के साथ तवज्जो फरमाई उन पर, यानी तौबा कबूल कर ली, बेशक वही है बड़े तौबा कबूल करने वाले और बड़े रहमा और बड़े मेहरबान। यानी कि जब आदम अलैहिस्सलाम ने वो वाला फल खा लिया था जो अल्लाह ताला ने मना किया था, तो फिर अल्लाह ताला ने उनको सजा दी थी और आदम अलैहिस्सलाम ने कोई ऐसी दुआ की जिससे अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली और उन्हें माफ कर दिया। तो फ्रेंड नेक्स्ट आयत यह है कि कुल रहबतु मिन्हा जमीया फइम्मा युतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फ्रेंड इस आयत का तर्जुमा यह है कि हमने हुक्म फरमाया नीचे जाओ इस बहिश्त से सब के सब, फिर अगर आए तुम्हारे पास मेरी तरफ से किसी किस्म की हिदायत, तो जो शख्स पैरवी करेगा मेरी उस हिदायत की तो ना कुछ अंदेशा होगा उन पर और ना ऐसे लोग गमगीन होंगे। तो फ्रेंड्स इस आयत में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि जो लोग मेरी दी हुई हिदायत मानेंगे तो फिर अल्लाह ताला उनके साथ ऐसा करेंगे उनको दुनिया में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स आज की नेक्स्ट और लास्ट आयत यह है कि वल्लज़ीन कफरू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। फ्रेंड्स इस आयत का तर्जुमा यह है कि और जो लोग कुफर करेंगे और तकज़ीब करेंगे हमारे अहकाम की, ये लोग होंगे दोजख वाले, वो उसमें हमेशा को रहेंगे। फ्रेंड्स इस आयत में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि जो लोग अल्लाह ताला की हिदायत नहीं मानेंगे तो फिर उन्हें हमेशा के लिए दोजख में रखा जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सबक, सदकल्लाहुल अजीम। और फ्रेंड्स यही था मेरा आज का व्लॉग भी। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मैंने आने वाला है नया व्लॉग वक्त पर मिले। मिलते हैं फ्रेंड्स जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।